कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के पश्चिमी जोन के चेयरमैन विनोद बंसल द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन विनोद बंसल द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद में पीतल इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है। पोल्यूशन के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा जो इंडस्ट्री लगाई गई थी वह मौजूदा सरकार खत्म करने का काम कर रही है। मुरादाबाद में कच्चे माल से बन रही पीतल की सिल्ली की भट्टियों को जो आजादी से अब तक सिल्ली बनाती चली आ रही थी, आज उन पीतल की सिल्ली बनाने वाली भट्टियों को प्रदूषण के नाम पर पुलिस द्वारा बंद करा दिया गया है। पुलिस अवैध वसूली करके कुछ भट्टियों को चलवा रही है, जिस कारण यहां पीतल का व्यवसाय बुरी तरह बेरोजगारी से ग्रस्त हो गया है। अभी पिछले दिनों पीतल की सिल्ली में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिससे कि मुरादाबाद का पीतल व्यवसाय ठप हो गया, जिससे गरीब व्यापारी पूरी तरह पिस चुका है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से जीएसटी रिफंड नहीं मिल रहा है, उससे मुरादाबाद के व्यापारियों की हालत ज्यादा गंभीर है। राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने के सवाल पर विजय बंसल द्वारा कहा गया कि ये सरकार जुमले की सरकार है और इस देश का मुखिया ही जब झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाने में लगा है तो इससे आम आदमी क्या कर सकता है, ये सरकार गुंडों की सरकार है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी हाजी सगीर सईद खान के साथ व्यापार प्रकोष्ठ के प्रांतीय महामंत्री जमाल नासिर एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम व्यापारियों के लिए, व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, विशेषकर मैं मुरादाबाद की भी बात करूं तो यहां का उद्योग पीतल उद्योग है। सबसे पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यहां उद्योग चालू किया था, लेकिन बड़े दुख की बात है यहाँ की विभिन्न सरकारों ने और इस वर्तमान योगी सरकार ने उसको तहस नहस कर दिया। आज ये पीतल का व्यापार यहाँ से चलता था, वो एक्सपोर्टर के रूप में भी था, यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और एक्सपोर्टर को ड्रॉबैक के रूप में कुछ परसेंटेज 8% या 10% मिलता था। लेकिन सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने वो भी व्यापारियों के साथ धोखा कर खत्म कर दिया है। मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ पीतल व्यवसाय को मुरादाबाद में चालू कर आगे ले जाना है तो उन्हें ड्रॉबैक की सुविधा देनी होगी। आप जीएसटी के माध्यम से देखें, क्या मजाक बना दिया है? जो थोक व्यापारी 2% से 5% 6% पे अपना व्यापार करता था, उसके ऊपर 18% 28% जीएसटी, ये व्यापारियों का दोहन हो रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम और आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो सफरर कौन है? कंज्यूमर, जो छोटा दुकान खरीदार है वो सबसे ज़्यादा सफरर है और उसी को ही जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी के अधिकारियों की जो धंधलेबाजी और गोरख धंधा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो रिफंड मिलना चाहिए, साल साल पर 1.5 साल 2-2 साल हो गए नहीं मिलता, दूसरी ओर उनको जमा करने के लिए तारीख 31 जनवरी की गई थी, बाद में 13 जनवरी की गई, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। बैंकों से पासबुक मिलनी चाहिए थी, अपडेट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उससे क्या हुआ, व्यापारी जो अपना एफिलिएशन करना चाहते थे, एनरोलमेंट करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। और इस जीएसटी डिपार्टमेंट की धांधली देखिए, जिस पे 5,000 रुपये पेनल्टी लगने वाली, 5,000 रुपये टैक्स देना होता था, उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई गई है। ये सरकार लूटने वाली सरकार है। आपने भी देखा होगा कोरोना के माध्यम से आरटीओ डिपार्टमेंट में कितना व्यापारियों को, मेरे साथियों को, सबको लूटा है। हेलमेट नहीं लगा, 5,000 जुर्माना, 2,000 जुर्माना 3,000 जुर्माना, क्या मजाक बना दिया है? हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। मैं माननीय योगी सरकार से, मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये व्यापारी जो है इन्हीं को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि ये आपके साधन है, साधक रहे हैं, सहयोगी रहे। जिस तरीके की योगी सरकार में मंत्री गीता साधवी प्रधान का बयान आया कि उन्होंने सरकार से मांग की राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, इसमें क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को?
देखिए ये सरकार जुमलों की सरकार है, इनका एक ही कार्य है, जब इनके ऊपर आक्रमण हो ये झूठे मूठे जुमले ले आते हैं, कई 15 लाख की बात करते हैं, कभी कहते हैं हम ये काम करेंगे, कभी कहते हैं हम ये राहत देंगे। मोदी जी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कहते हैं गुजरात बहुत अच्छा है, योगी पंजाब योगी बंगाल में जाते हैं कि मेरे उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम चला। आप मुझे जवाब देंगे कि कितने बलात्कार, कितनी दलित लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, उसका कोई जवाब दिया? अभी तक कोई रिपोर्ट तक नहीं आई हाथरस की, और उसके बारे में कोई नहीं कहता। अपने आंचल को ढकने के लिए ये लोग झूठे आरोप लगाते हैं और झूठा उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। देखिए गठबंधन की बात तो हमारे प्रदेश नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हम प्रयास होगा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। छोटी पार्टियां जो हैं वो हमारे साथ आ सकती हैं और उनके साथ गठबंधन हो सकता है। देखिए हमारा मुख्य लक्ष्य 2022 को जीतना भी है, क्यों? हमने पूरे वार्ड स्तर पर मुरादाबाद में भी, आगरा में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी का ये प्रयास है कि हम हर वार्ड का अध्यक्ष बनाएं और उसकी कमेटी होने के बाद हम बूथ स्तर पर पहुंच गए हैं और चुनाव का रिजल्ट जो होगा अप्रत्याशित होगा। अभी आप देखिएगा कि जिस प्रकार से सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समय जरूर लगेगा आपको उसका आकलन करने के लिए। मैं समझता हूँ 2-3 महीने में वो स्थितियाँ साफ हो जाएंगी और अच्छी स्थिति के साथ हम 2022 का चुनाव जीतने वाले हैं।